Good morning, I hope you guys are doing good. So let's start the video with this beautiful song and amazing Dhinchak song. I know ye sabki playlist mein song zarur hoga. So there you go for the song. Okay, done. So I raised a poll asking you guys whether you want to learn makeup or not. So 95% of you have said yes, and two of you have said no, which are guys, exceptional. So I'm planning for a series, like a makeup series, which will be a step-by-step makeup. जिसमें कि I will be, you know, मैं आपको पूरा makeup सिखाऊंगी. कैसे how to create base, how to create, you know, winged liner, perfect eyebrows, contour, highlight, everything. So आज की video में and probably it will be in Hindi because मुझे ऐसा लगता है हिंदी में बहुत easily समझ में आता है. तो आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी हाउ टू क्रिएट अ बेस. एज यू कैन सी आई हैव नथिंग ऑन माय फेस, जस्ट यू नो आई हैव प्रेप माय फेस यूजिंग टू थिंग्स व्हिच इज दिस. आई हैव टॉक्ड अबाउट दिस इन माय प्रीवियस वीडियो एंड सेकेंडली इज दिस मॉइस्चराइजर लोशन. दीज आर माई टू फेवरेट गो टू थिंग. जब भी मैं मेकअप करती हूँ आई मेक श्योर कि मैं यू नो कोई भी ऑयल जरूर फेस पर लगाऊँ. नो मैटर आई हैव ऑयली और ड्राई स्किन, नो मैटर. सो द फर्स्ट थंब रूल फॉर द बिगिनर्स इज दैट प्लीज प्रेप योर स्किन. आई मीन जितना मॉइस्चराइजर लगा सकते हो उतना लगाओ. यू कैन यूज द निव्याज वन ऑल्सो, यू कैन यूज एनीथिंग, इवन बोरोलिन ऑल्सो. इफ यू हैव अ एक्सट्रीमली ड्राई स्किन अप्लाई बोरोलिन ऑन योर फेस, हार्डली मैटर्स, कोई फर्क नहीं पड़ता. लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो. सो गाइज दिस वीडियो इज प्योरली फॉर यू गाइज. आई वॉन्ट यू गाइज टू लर्न अ लॉट. जितना आप सीख सकते हो प्लीज आप उतना सीखो. यूट्यूब इज अ फ्री प्लेटफॉर्म. सो ओके, सो द फर्स्ट थिंग विच आई एम गोना अप्लाई इज अ प्राइमर. प्लीज डोंट फॉरगेट टू अप्लाई अ प्राइमर बिफोर योर बेस. सो दिस इज द फर्स्ट सेकेंड स्टेप एक्चुअली. फर्स्ट इज द यू नो मॉइस्चराइजर. सो फर्स्टली आई एम गोना अप्लाई दिस. This is by Ordinary. So I'm applying this. It is one of my favorite primer. And primer लगाने का मतलब ये नहीं होता कि आपको पूरा मुंह पे भरना है primer. You just have to take this amount and apply evenly. Don't forget your you know eye area. I'm gonna tell you one trick guys. जैसे कि मेरे smile lines हैं, okay, I have some lines over my forehead also. If you also have the same fine lines and you know smile lines, not fine lines, sorry, smile lines like this, and you know यहाँ पे भी आपके lines हैं. So what you can do is, मतलब मुझे जो complaint होती है वो ये होती है कि जब मैं base लगाती हूँ तो उसमें smile lines में फिल हो जाता है गैप, उस गैप में फिल हो जाता है फाउंडेशन. सो व्हाट आई डू इज जो भी प्राइमर है उसको मैं बहुत अच्छे से इवनली रब करती हूँ द एरिया आई फील की गैप है. एंड दैट्स कम्प्लीटली ओके गाइज. इफ यू हैव स्माइल लाइन्स और यू नो दीज लाइन्स दैट्स कम्प्लीटली फाइन. आई यूज लिटल फोर्स व्हेन आई अप्लाई प्राइमर. आई मेक श्योर कि मैं अपना प्राइमर को प्रेस करूँ स्किन में. वंस आई एम डन विद दिस आई मेक श्योर कि आई स्प्लैश सम मेकअप सेटिंग स्प्रे ऑन माई फेस. Then a lot of you guys have asked me so many times कि concealer पहले लगाते हैं या foundation के बाद में लगाते हैं. Guys, there is no hard and fast rule. आप पहले भी लगा सकते हो और आप बाद में भी लगा सकते हो. कोई ऐसा you know कोई ऐसा rule नहीं है invent हुआ कि आपको concealer बाद में लगाना है foundation. That's totally your call. Also in this first session, I'm not gonna tell you the color corrector and everything. I'm just telling you the simple, easy base.
कलर करेक्टर की जरूरत हर किसी को नहीं होती. प्लीज मतलब बेफालतू में अपने ऊपर कलर करेक्टर्स मत अप्लाई करो. उसके लिए मेरे पास प्रॉपर सेशन दूसरा है, सो विल टॉक अबाउट दैट. एंड दिस वीडियो शायद थोड़ी सी लंबी हो जाए गाइज, बट प्लीज अंडरस्टैंड दिस इज फॉर यू फॉर फ्री. वॉट आई डू, आई टेल यू माई ट्रिक. जो भी कंसीलर मैं यूज करती हूँ, इधर आई अप्लाई द किको मिलानोज कंसीलर. आई हाईली रिकमेंड दिस. दिस इज किको मिलानोज कंसीलर. Why the camera is not focusing? I'm in shade 02. So what I do is, usually I apply concealer with my fingertip. So I have smile lines like this. So when you have, you know, when you have the same complaint ki aapke isme chal jata hai, so smile and then apply the product. This I dab it through a beauty blender so that it can absorb properly. Make sure guys you are taking the minimum amount of foundation. Just 1.5 drop is enough for your full face. Don't forget your forehead lines. These are the forehead lines, so don't forget that. So I'm under natural light, so this is the base. आप जो भी foundation लगा रहे हो वो बहुत कम लगाओ, कम quantity में. Why? Because I know that I have to layer it up. I know that मुझे पहले और बाद में भी concealer लगाना है. So अगर foundation ज़्यादा quantity में होगा तो आपका face बहुत cakey लगेगा. I'm gonna apply concealer. For that I'm gonna use the Maybelline's one. And I'm just applying a very little amount. So if you can see, I'm not going inwards like this. I'm just, you know, near my nose area. Then I'll give 5-10 seconds to my skin to absorb all these, you know, layers. So eyebrows are done. Like, I really like thick eyebrows. I know I have naturally very black eyebrows, but I really like thick eyebrows. So now I'm gonna bake my face, and for that I'm taking this Krylon dusting powder. This is how the packaging looks like. It's a translucent powder. I'm taking a very flat kind of brush. So I'm already having you know, dry skin this time. So I'm not gonna let my you know, this powder set for so long time. So I'm just dusting it off and done. So this is how you create a base. I hope that was very simple for you. If you guys have any questions, any concerns, please let me know. So after this, the next class will be for how to apply a perfect blush and contour. So stay tuned for that. And please subscribe if you haven't subscribed, and hit that bell button so that you always get notified when I come. So yeah, I hope I'm a good teacher and you learned something from today's video. So I take a leave and I'll see you super soon. Mwah.